चार झन लइका मन ऐसे जगह में खड़े रही से जिहां खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं रही से। लइका मन के दिमाग में यही बात चलत रही से कि हमर मन के भोजन की व्यवस्था कैसे हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखथन कि सब लइका हा अपन खाए पिए में लगे हैं। लइका मन के खाए पिए पर पूरा व्यवस्था हो चुके हैं। लइका मन हा बहुत मजा से भोजन करत है, खाना पीना खावत है। अब मैं अगर अतने कहानी में अगर ये सवाल पूछूं कि लइका मन ला भोजन कहाँ मिलिस, दूसरा सवाल पूछूं कि अगर ये छोटे से कहानी है तो ये कहानी के शीर्षक या टाइटल का हो सकते, तो आप मन लगही अरे ये तो कहानी कुछ समझ में नहीं आई से। तो सही बात है संगवारी हो, ये कहानी अधूरा है। और जब हम कोई अधूरा कहानी सुनथन तो हमन कोई भी सवाल के जवाब नहीं दे सकन। वैसने ही शिक्षा होते, जब स्कूल में कोई बच्चा रोज स्कूल आते, लगातार स्कूल आते, तो जेन अध्यापन हुआ थे, पढ़ाई लिखाई हुआ थे, वो एकदम ओकर क्रम है समझ में आते, वो कहानी या फिर कोई भी प्रकार के बात है वो पूरा समझ में आते। लेकिन जैसे कि मैं कहानी बताया हूँ, असलियत में ये कहानी के मैं पहला और तीसरा भाग ला बताया हूँ, दूसरा जो बीच के भाग है वोला नहीं बताया हूँ, तेकरे से ती ये कहानी समझ में नहीं इसे। असलियत में ये कहानी ऐसे है कि चार लइका मन हाँ खड़े थे और ओमन ला आस पास देखते कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं रहा है, कोई खाए पिए के आसपास कोई सामान नहीं रहा है। तो लइका मन के दिमाग में चलते थे कि हमन हाँ भोजन की व्यवस्था कैसे करबो। तभी वो साइड में एक जन आदमी खड़े रहते जेकर वो दिन बर्थडे रहते, जन्मदिन रहते। तो आदमी सोचते कि ये लइका मन भूखा है, खाना वाना के व्यवस्था नहीं है, तो मैं ऐसे काम करता हूँ, वो जन्मदिन के खुशी में इमला अच्छा से खाना की व्यवस्था करा देता हूँ। तो सब लइका ला लेके वो अपन जन्मदिन में पूरा खाना के व्यवस्था कर देते लइका मन पर। तो ऐसे ये आगे के बता दे हूँ जिसे कि जाके लइका मन है फिर खाना पीना खाते बढ़िया और ऐसे ये कहानी पूरा होते। तो अब जिसे समझ गए हो, ये कहानी अब पूरा हो गया, तो अब जिसे पूछूँ लइका मन के खाना की व्यवस्था कैसे हुई तो फट से बता दूँ। ये बोल सकता हूँ जैसे कि वो जेकर जन्मदिन जैसे वो व्यक्ति है भोजन की व्यवस्था करी से। वैसे दूसरा सवाल है मोर कि जिससे एक टाइटल या शीर्षक का रखे जाए, तो बता सकता हूँ कि हमारे जन्मदिन या कोई भी अवसर में हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए, भूखे खाना खिलाना चाहिए या कोई सहयोग करना चाहिए। तो ये पूरा कहानी समझे के बाद हमन सवाल के जवाब दे में सक्षम हो जाता। वैसने पहला दिन बच्चा स्कूल आते और दूसरा दिन नहीं आए और तीसरा दिन फिर आ जाते, तो बीच एकर गैप होए के कारण ओला जो पढ़ाई लिखाई है वो समझ में नहीं आवे। तेकर कारण जिन पहली दिन और तीसरा दिन आए हैं वह कोई काम के नहीं हुआ है, ओकर सेती बच्चा मन ला गैप नहीं करना चाहिए। कई बच्चा हा कई बार गैप करते बीच बीच में नहीं आवे, तेकर कारण वो पढ़ाई लिखाई ओला समझ नहीं आए, और पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आए तेकर कारण वो बच्चा हा फिर धीरे धीरे बाकी कक्षा के बच्चा मतलब तो लगातार आवा तो समझ आवा थे, लेकिन वो नहीं आवे तेकर सेती ओला समझ नहीं आए, और समझ नहीं आए तेकर सेती वो बाकी बच्चा मन से कमजोर होल था लेते, और कमजोर होए के कारण कई बार ओला स्कूल में जब सवाल पूछे जाते लइका मन ला, तो बाकी लइका तो रोज आवा थे तेन समझ जाते और फटाफट सवाल के जवाब दे देते, लेकिन वो लइका स्कूल नहीं आए तेकर सेती वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब नहीं दे पाए तो धीरे धीरे ओला लगते कि मैं कक्षा में एकदम कमजोर हो गया हूँ, है ना। तो वो बच्चा में अपन आप में थोड़ा शर्मिंदगी हो धर लेते, बोला लगे धर लेते कि मैं एकदम कमजोर हम हो तो इसने बेइज्जती हो जाए, और धीरे धीरे फिर वो लइका है एक दो दिन जन अब्सेंट रहा है वो लगातार अब्सेंट होकर चालू हो जाते। तो हमन ला प्रयास करना चाहिए कि जितना स्कूल में पढ़ाई होते उतना ही महत्वपूर्ण है लइका के स्कूल तक पहुँचना। मोर रिक्वेस्ट है अगर यूट्यूब में देखा तो सब्सक्राइब कर लूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखा तो ओला फॉलो कर लूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।